हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन न्यूज में एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन न्यूज, जिसमें 15 अगस्त को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, मिलेगा यह 5 बड़ी योजनाओं का लाभ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में 15 अगस्त के दिन देश को संबोधित करते हुए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। इसी बीच गरीबों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी, जन औषधि केंद्र खोलने का सरकार ने कर दिया ऐलान। दरअसल सरकार जन औषधि केंद्र अब हर गली मोहल्ला खोलने जा रही है। इसके लिए लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। वही बताया जा रहा है कि सस्ते में उनको दवाई सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अभी केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 जन औषधि केंद्र है, लेकिन इसको बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। वही जो दवाई आप 100 रुपया में खरीदते हैं वो 10 से 15 रुपया में आपको मिलेगा। वही खुद का घर अगर आपके पास नहीं है तो सरकार बैंक द्वारा आपको ऋण प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से आप खुद का आप घर बना सकेंगे। तो ये तमाम चीज़ें सरकार ने ऐलान किया है। और सरकार ने यह भी कहा है कि महिलाओं को ड्रोन संचालन करने का प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा, जिससे महिला आत्मनिर्भर बनकर खुद से अपना धंधा, खुद से अपना व्यापार कर सकेंगी। तो कई घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है, इसके मुख्य तथ्य जारी किए गए। वही यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा, मंदिर पास गिरा है छज्जा, 5 लोगों का हो गया मृत्यु। दरअसल लगातार बारिश हो रहा है, कई राज्यों में बाढ़ आ गया है और कई राज्यों में बारिश के कारण इमारतें गिर रही है। इसी बीच यूपी के मथुरा के पास मंदिर के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें लगातार बारिश से छज्जा कमजोर हो गया था और नीचे में श्रद्धालु बैठे हुए थे, अचानक छज्जा गिर गया, जिस कारण से 5 लोगों का दबने से मृत्यु हो गया है। वही 10 लोग घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। वही ओला ने पहली बार लॉन्च कर दिया है सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटी, आप भी कर सकते हैं इसकी बुकिंग। दरअसल अभी ओला की तरफ से 2 स्कूटी पहले लॉन्च किया गया था, जिसका शुरुआती कीमत 1,00,000 रुपया रखा गया था, लेकिन अभी ओला की तरफ से फिर से एक स्कूटी को लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, जिसका शुरुआती कीमत 80,000 रुपया रखा गया है। मतलब 80,000 रुपया में आप इस स्कूटी को खरीद सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है S1X। अगर आप इसकी बुकिंग कराना चाहते हैं तो ओला के वेबसाइट में जाकर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। वहीं फाइनल बंद होने जा रहा है 2000 का नोट, जल्दी से कर ले अपना नोट का बदलाव। दरअसल RBI की तरफ से 2000 का नोट बंद करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों ने नोट को जमा कर दिया, बहुत सारे लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया है। वहीं आपको बताना चाहते हैं कि RBI ने बोला है कि 2000 का नोट जिनके पास भी है वो लास्ट डेट 30 सितंबर तक आप इस नोट को जमा कर सकते हैं। तो 30 सितंबर अंतिम तारीख है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास भी कुछ नोट बचा है तो बैंक में जाकर जमा कर दीजिए, 30 सितंबर के बाद ये नोट अमान्य हो जाएंगे, कोई भी नोट नहीं चलेगा। वहीं बाढ़ से फिर 55 लोगों का हो गया है मृत्यु, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल हिमाचल में जो है 2 दिन पहले बाढ़ आया, बारिश हुआ, जिस कारण से भूस्खलन हो गया, इसी बीच उसमें दबने से कई लोगों का मृत्यु हो गया था, लगभग 50 लोगों का मृत्यु हो गया। तो बताया जा रहा है कि फिर से कल जो है भूस्खलन हुआ कई जगह, जहां पर फिर से 4-5 लोगों का मृत्यु हो गया, मौत का आंकड़ा बढ़कर 55 हो चुका है। वहां के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बोला गया है कि कोई भी जंगल इलाका में ना जाए, ना ही नदी नाले वाले इलाका में जाए, क्योंकि अभी बारिश का माहौल है, कहीं पर भी दुर्घटना घट सकता है। वही 15 अगस्त को यह 2 खिलाड़ियों ने लिया था इस्तीफा, अब यह खिलाड़ी की है बारी। दरअसल पिछला साल 15 अगस्त को ही सुरेश रैना ने जो है 2022 में क्रिकेट से इस्तीफा ले लिया था। और बताया जा रहा है कि MS धोनी भी जो है 2023 15 अगस्त को इस्तीफा लेने की अनाउंसमेंट करी थी, और उन्होंने भी बताया था।
तो आपको क्या लगता है, क्या एमएस धोनी भी इस्तीफा देने वाले हैं? नीचे कमेंट जरूर से करें। वहीं मौसम विभाग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसी बीच बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तर पूर्व भारत, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंडमान में हल्की बारिश होगी और हल्की बारिश 2 दिन होगी, इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दिया जा चुका है। वहीं महिलाओं को घर बैठे सरकार दे रही है 4,000 रुपया कमाने का मौका। दरअसल अगर आपके घर में भी कोई महिला है जो कि कम से कम 8वीं या 10वीं पास कर चुकी है, उतना पढ़ाई लिखाई करी है, तो दरअसल अगर आप भी सरकार से जुड़कर घर बैठे काम करना चाहते हैं, तो दरअसल बीसी सखी के माध्यम से आप घर बैठे सरकार से जुड़कर काम कर सकते हैं। दरअसल आपको इसके लिए बीसी सखी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप यह 2 काम करते हैं तो आपको वहां पे टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को आपको पूरा करना पड़ेगा। यदि आप पूरा करते हैं और रोजाना आप ये काम करते हैं तो आपको इसके लिए प्रति महीना 4,000 रुपया दिया जाएगा। तो यदि आप भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वही खुले में कचरा फेंकने पर अब लगेगा जुर्माना, अब लागू हो रहा नियम। दरअसल अगर आप भी खुले में कचरा फेंकते हैं और इधर उधर फैलाते हैं, या फिर अगर आप खुले में कचरा जलाते हैं, तो दरअसल सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दरअसल अब गुड़गांव में इस तरह का नियम बना दिया जा चुका है। अगर आप भी गुड़गांव क्षेत्र में रहते हैं तो अब खुले में कोई भी कचरा फेंकने पर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। कम से कम 500 से 1,000 रुपये का जुर्माना का नियम आज से कर दिया जा चुका है। यदि कोई ऐसा करता है तो उतना रुपया आपको चुकाना पड़ सकता है। वही खेती करने के लिए सरकार दे रही है पैसा, करना होगा यह काम। दरअसल अगर आप भी खेती बाड़ी करते हैं और अगर आप भी सरकार से सहायता लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप खेती बाड़ी के लिए औजार खरीदना चाहते हैं या कीटनाशक दवाइयां खरीदना चाहते हैं, तो दरअसल कृषि तकनीकी मिशन के अंतर्गत सरकार अभी 50% सब्सिडी मुहैया करा रही है। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से कृषि तकनीकी मिशन का शुरुआत किया गया है। इसमें किसानों को जो है सरकार की तरफ से सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अपना खेती बाड़ी कर सके और ज़रूरत का सामान खरीद सके। इसके लिए आप जो है कृषि के वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर कृषि विभाग में जाकर आप इसके बारे में जानकारी मुहैया कर सकते हैं। वही इस स्वतंत्र दिवस सिर्फ 15,000 रुपया में डाउन पेमेंट पर घर ले जाए टाटा टियागो कार। दरअसल टाटा कंपनी की तरफ से अगर आप भी कार खरीदना चाहते हैं, कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो दरअसल इस स्वतंत्र दिवस टाटा कंपनी अपना फेस्टिवल मना रहा है और अगर आप सस्ते में अगर आप टियागो कार खरीदना चाहते हैं तो दरअसल अभी डाउन पेमेंट पर ईएमआई पर आपको मात्र 15,000 रुपये में टाटा कंपनी का कार मुहैया कराया जा रहा है। अगर आप इस कार की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड और आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। इसके लिए आप नज़दीकी शोरूम में जाकर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कराकर आप इस कार को अपने घर ला सकते हैं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए और जीत लीजिए हमारे चैनल की तरफ से 5,000 रुपये तक का इनाम। आपको बताना है कि इस बार जो स्वतंत्र दिवस मनाया गया, भारत का आज़ादी का कितना साल हो चुका है? नीचे कमेंट करके आपको इसका सही जवाब देना है। इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग सही जवाब देंगे उन लोगों को रैंडमली हमारे चैनल की तरफ से पिक किया जाएगा और उनके घर तक 5,000 रुपये तक का गिफ्ट पहुंचाया जाएगा। तो नीचे कमेंट जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही अपडेट देंगे, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।